आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली की चोर मार्केट करने। चोर मार्केट कहाँ पे लगती है, क्या क्या मिलता है चोर मार्केट में, सब कुछ बताऊंगा। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 25 फरवरी 2023, टाइम हो रहा है 4:08। 4:08 हो रहे हैं और आज मैं घर नहीं कहता रात को, और सुबह से ही काम कर रहा था। 1 बजे तक काम किया, फिर 3 घंटे के लिए सो गया। अभी सो के उठा हूं, अब फिर से ड्यूटी ऑन करूंगा, फिर काम करूंगा। तो सुबह से मैंने अच्छा भला काम कर लिया। सुबह से मैंने कितना काम किया, आज कितना काम होगा, सब कुछ बताऊंगा इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, बोले फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे तो उसका शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है तो कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, फेसबुक पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब। हमने अपनी ड्यूटी कर लिया ऑन, पानी की बोतल ले आए, मुंह धुल लिया है और नमकीन का पैकेट खा के फिर ड्यूटी ऑन कर लेते हैं बढ़िया से। देखते हैं पहली ड्यूटी कहाँ से आएगी। अभी दोपहर की पहली ड्यूटी, सुबह से 4 ड्यूटी कर रखी है मैंने। 4 ड्यूटी में कितना काम हुआ वो सब बताऊंगा इसी ब्लॉक में, तो ब्लॉक लास्ट तक देखना। तो आज का ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से, गो। टाइम हो गया 9:40 और मैं फिर इंदिरापुरम आ गया घूम के। छोटी छोटी सारी ड्यूटी करी अभी मैंने। 4 बजे सो के उठा, 5 बजे से काम करना स्टार्ट कर दिया, 5 बजे ड्यूटी आ गई थी। सेक्टर 76 गया, फिर इंदिरापुरम आया, फिर सेक्टर 62 गया, 62 से फिर खोड़ा गया, खोड़ा से फिर इंदिरापुरम पहुंचा हूं। 3-3.5 घंटे के बाद में छोटी छोटी 4-5 ड्यूटी कर दी मैंने ऑलरेडी पहले से। अभी मेरा काम 2800 रुपए का पहुंच चुका है। आज का काम 2800 का पहुंच गया है और मैं दिन में सो गया था 3-4 घंटे के लिए, तो इतनी ज्यादा कॉलें, करीब 15 से 18 कॉलें आ गई। अब पता क्या होता ना, पहले जब कम फॉलोवर थे तो कम कॉलें आती थी, अभी जैसे जैसे फॉलोवर या जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो कॉलें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हल्का सा भी किसी को कोई क्वेश्चन है छोटा सा छोटा, वो भी 3-3, 4-5 कॉल करता है। अब इसमें मुझे पता ही नहीं लग पाता कि कौन से हमारे कस्टमर का नंबर है, कौन से ड्राइवर पार्टनर का है, जिसे कभी काम करना ही नहीं है, खाली पूछना है या खाली वो हमारी वीडियो देखते हैं या हमसे खाली बात करनी है, तो वो लोग भी फोन करने लगते हैं। अब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉलें कुछ नहीं, ज्यादा कॉलें आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। के साथ में भी कॉले आती हैं तो परेशानी हो जाती है। या तो फिर मैं किसी को बैठाऊं, ऑफिस खोलूं कि भाई वो सारी कॉल वो अटेंड करें, या तो फिर मैं कॉल वाला सिस्टम में कुछ चेंजेस करूं कि भाई केवल कस्टमर गाड़ी बुक करने के लिए फोन करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको एक दिन फिक्स कर दूं कि वहां आके मिल सकें, या तो फिर उस दिन मैं लाइव आके कुछ ना कुछ अपडेट दूं, हर किसी से बात करूं लाइव पे आके। ऐसा कुछ ना कुछ नया निकालना पड़ेगा ये फरवरी के अंदर अंदर। फरवरी के और 3-4 दिन रह गए, 5 दिन, तो 1 तारीख से कुछ ना कुछ नया सिस्टम करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो कॉलें बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिसे कभी काम ही नहीं करना वो भी कॉल कर रहे हैं। अरे भगवान, 1-2 घंटे के लिए अगर फोन ना उठाऊं ना तो 10-10, 15-15 फोन आ जाते हैं 1-1 घंटे में। सुबह से शाम तक 40-50 कॉलें आ रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। वीडियो हल्के हल्के ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा व्यूज आते हैं ना, मुझे पता लग जाता है जब उधर ज्यादा व्यूज आएंगे तो इधर ज्यादा कॉलें आएंगी। जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं उन्हें मेरा नाम भी नहीं पता, गाड़ी भी नहीं पता, क्या करता हूं, कहां करता हूं, तो वो डायरेक्ट फोन करते हैं, हाँ जी भैया कितनी इनकम है, कौन सी गाड़ी आपकी, क्या नाम है आपका, कहाँ चलाते हो, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ मेरे बारे में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले वीडियो देखो जाके, वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ रह जाएगा छोटा मोटा डाउट, वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब आपको कुछ भी नहीं पता, खाली नंबर दिख गया स्क्रीन पे, लगा दिया नंबर, ऐसे नंबर ना लगाओ वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, है ना, तो ऐसे मत लगाओ, ऐसे नंबर नहीं लगाना चाहिए किसी का भी। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले उसके बारे में सर्च करो, हैवी कुछ ज्यादा सर्च करो, अगर फिर कोई डाउट रह जाता है तो कॉल करके पता कर लो। चलो कोई नहीं, अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, केले वेले ले आया हूँ खाने पीने के लिए, तो खा लेता हूँ केले और इधर ही रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 9:40 हो चुके हैं, सैटरडे का दिन है। अब कोई लंबी ड्यूटी बजेगी तभी एक्सेप्ट करूंगा, छोटी छोटी कर करके परेशान हो गया। वो 150-200-250 रुपए मिलते हैं, तो 4-5 ड्यूटी में 1200-1300 का ही काम हुआ था और 2000 का दिन में कर लिया था। तक अब मैं रेस्ट करूंगा और देखता हूँ आपको एयरपोर्ट की या फिर रेलवे स्टेशन की ड्यूटी मिल जाएगी तभी एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आपको गाड़ी चला चला के थक गया, छोटी छोटी ड्यूटी में थकान ज्यादा हो जाती है ना, इससे उठाओ वहां छोड़ो वहां छोड़ो, तो अभी ड्यूटी आएगी तो करेंगे आपको अपडेट। बस कुछ देर वेट कीजिए, मिलते हैं हम ड्यूटी आने के बाद। सो गाइस टाइम हो गया है 3:26 और अभी तक कोई बुकिंग नहीं बजी है और मुझे नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि मैंने दिन में सो लिया था ना इस वजह से। तो मैं सोच रखा था कि अगर सैटरडे को काम ज्यादा नहीं हुआ तो अगर टाइम फ्री रहा तो चलेंगे दिल्ली की चोर मार्केट। चोर मार्केट जो कि सुबह को लगती है हर संडे को,
जो कि लाल किला के सामने लगती है, तो मैं निकल लिया चोर मार्केट करने के लिए। चोर मार्केट में क्या लाऊंगा, खरीदूंगा, क्या मिलेगा वहां पे खरीदने के लिए, सब कुछ बताएंगे चोर मार्केट पहुंच के। अरे कहां जा रहा हूँ, तो ये इधर से जाते हैं चोर मार्केट और इधर सुनसान पड़ा पूरा इंदिरापुरम। 3:30 बज रहे हैं रात के और आधा घंटा लगेगा, 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा और 4 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर लेट होगा तो वहीं पार्किंग में कर लूंगा, वेट में, है ना। चलते हैं चोर मार्केट, देखेंगे चोर मार्केट में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लाएंगे, है ना। चलो मैं चलता हूँ, निकलता हूँ और मिलता हूँ चोर मार्केट पहुंच के। मच्छर हो रहे हैं गाड़ी के अंदर, कुछ और भी लाना है, मच्छरों का भी कुछ ना कुछ करना है, वहां से खरीद के लाना है। चलो मिलते हैं वहीं पहुंच के। सो गाइस मैं पहुंच गया, देखो चोर मार्केट। अभी सुबह के 3:46 हो रहे हैं और देखो कितनी हैवी भीड़ हो गई यहाँ पे। हैवी भीड़, मेरे राइट साइड में है लाल किला रेड फोर्ट और लेफ्ट साइड में है चोर मार्केट पूरा। देख रहा सुबह सुबह 4 बजे कितनी भीड़ लग रही है। देखो जूते बिक रहे हैं, देख लो लेफ्ट साइड में जूते चप्पल कुछ भी खरीदो कुछ भी। तो मैं पहले रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करूंगा, मैं करूंगा गाड़ी पार्किंग में खड़ी। इधर लोग रोड पे ही लगा के खरीदारी करने लग रहे हैं, लेकिन मैंने रोड पे नहीं लगानी है। देख रहा भीड़ सुबह सुबह की, देखो सुबह सुबह की भीड़, देखो सब कट्टों में बिक रहा है माल, सारा कट्टों में बिक रहा है, देखो है कितनी हैवी भीड़ लग रही है। और रोड पे ही लोगों गाड़ी लगा के खड़ी हो गए। ये देखो UP 23 आर्टिका खड़ी है और अभी मार्केट लगना स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी लग गया होगा तकरीबन 3 बजे के आसपास से। तो मैं गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में और उसके बाद आऊंगा इधर, है ना। तो ये रही पार्किंग कुछ इस तरह से, लोग आते जा रहे हैं, देखो लोग आते जा रहे हैं, संडे का दिन है खरीदारी करने। पार्किंग का गेट तो बंद दिख रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी पार्किंग में, देखते हैं आगे से। अगर एंट्री होगी तो गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे, उसके बाद जाएंगे। तो पार्किंग तो शायद खुला है यहाँ पे, ये खुला है शायद। भैया आ गए पार्किंग वाले, चलो करवा लेते हैं पार्किंग खड़ी करके, फिर निकलते हैं उधर के लिए, है ना। सो गाइस यहाँ पे आया, यहाँ पर पार्किंग का पैसा ही बढ़ा दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कर दिया 0 से 5 घंटे के लिए 100 रुपए की पार्किंग है, इसके अलावा 20 रुपए घंटे का लगेगा। और पहले जो पार्किंग लगता था ना वो 20 रुपए घंटे का स्टार्ट होता था, तो अगर 1 घंटे खड़ी करो 20 रुपए जाएंगे, 2 घंटे का 40 रुपए। लेकिन अभी इन्हें एंट्री ही 100 रुपए की बना दिया, एंट्री 100 रुपए की है और एक्स्ट्रा 20 रुपए घंटा चलेगा 5 घंटे के बाद में। चलो कोई नहीं, जितने का सस्ता सामान नहीं खरीदेंगे उतने की तो पार्किंग लग गई, गाड़ी की कोई इशू नहीं है। चलो अपना नॉलेज तो मिल जाएगा ना, है ना। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आराम से घूम सकता हूँ, उधर जाएंगे ना तो उधर फिर मसला रहता है गाड़ी वाड़ी रोड पे खड़ी करने का। चलो चलते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस टाइम हो गया 5:31 और मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ, काफी चीजें खरीद के लाया हूँ मार्केट से। एक वॉच ली है, बैंड लिया है मैंने वन प्लस का, वैसे मेरे पास बोट का था, मैंने मंगाया था अमेजोन से लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं था, लोग ये वन प्लस वाले की ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो मैंने वन प्लस का यहाँ से ले लिया अभी। और मैंने बहुत सारा छोटा छोटा सामान लिया, ये देखो पूरा पैकेट भरा हुआ है, ये लिया है, काफी चीजें लेके आया हूँ। और भी मुझे कुछ चाहिए लेकिन वो अभी दुकानें खुली नहीं है, वो खुलेंगी तकरीबन 6:30 बजे के बाद में, तो आधा से 1 घंटा और लग जाएगा दुकानें खुलने में, तब तक मैं इधर ही वेट करूंगा गाड़ी में बैठ के। और उधर मार्केट में ना मैंने वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि अंधेरा था, उधर अंधेरा था और तुम समझ ही रहे हो ये एरिया में मोबाइल ज्यादा चलाना सेफ नहीं है, तो मैंने उधर वीडियो शूट नहीं करा। फिलहाल बहुत चीजें बिक रही है, जैसे जूते ले लो और एयरपोर्ट ले लो अपने कान में लगाने वाले गाने सुनने के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसे गिनाऊंगा ना तो कैसे गिना पाऊंगा। 110% आपको इधर आओगे तो हर चीज मिलेगी, हर चीज। तो कभी भी इधर आओ, करो मार्केट चोर बाजार दिल्ली का। और भी मुझे कई चीजें लेनी है तो अभी मैं और लूंगा जाके, और इधर वीडियो शूट नहीं करूंगा, दिन निकल आएगा तो सेफ है, रात में मोबाइल ज्यादा ओपन रखना सेफ नहीं है ना, ये थोड़ा सा चोर बाजार समझ ही रहे हो आप। लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं, फिलहाल अपना सेफ रहो, बढ़िया है। तो मैंने वीडियो शूट नहीं करा, उधर अंधेरा था, और दिन में अगर हो पाएगा तो करूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा थोड़ी देर में क्या क्या मैं लाया हूँ, क्या क्या मिला, किस किस रेट में मिला है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस कुछ देर वेट कीजिए, जब तक मैं अपनी गाड़ी में बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ। और अभी मार्केट खुला नहीं है ना पूरा, मैंने 1.5 घंटे में पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया बढ़िया से। अभी और भी चीजें लेनी है मुझे कुछ, तो क्या क्या लाऊंगा वो सब बताऊंगा लाने के बाद। तो बस
खुल जाए मार्केट फिर दोबारा जाओ। सो गाइस टाइम हो गया है 6:48 और मैं गाड़ी में बैठा और लेट गया तो नींद आ गई। सुबह सुबह का टाइम था तो अभी सो के उठाऊं फिर से। ये देखो सामने दिख रहा है यहाँ पे लाल किला, ये पेड़ के पीछे आया अभी मुझे दिख रहा है हल्का हल्का सा ये यहाँ पे, हाँ ये मेरी उंगली के पास में हल्का सा रेड फोर्ट दिखता हुआ, ये बिल्कुल ये रेड फोर्ट है। और ये देखो जामा मस्जिद है यहाँ पे, ये पेड़ के पीछे ना जामा मस्जिद है, इस वाले पेड़ के पीछे तो यहाँ पे जामा मस्जिद है। और पूरा मार्केट लग चुका है, हल्के 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 पूरा मार्केट खुल चुका है, भीड़ दिख रही है हल्की हल्की। तो चलते हैं मार्केट में और जो अपना रह गया ना खरीदारी वो कर लेते हैं और मिलते हैं इसके बाद। शॉपिंग हो गई कंप्लीट, टाइम हो गया 8:15, अब मैं अपनी गाड़ी पे आ गया हूँ। उधर तो वीडियो क्या पैदल निकलना मुश्किल है, वीडियो कहाँ से बनेगी और क्या दिखाऊंगा। अगर आप इस साइड रहते हो तो एक बार विजिट जरूर करो चोर मार्केट, इतनी भीड़ है पैदल नहीं निकला जा रहा। और दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, नई से लेकर पुरानी तक सारी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आज का वीडियो लेट हो जाएगा। और मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं, मैंने वन प्लस का बैंड लिया है, वॉच लिया है और जूते लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ली हैं मैंने और काफ़ी अच्छे रेट में मिल जा रही हैं। और पुरानी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक फ़ैन आता है ना जो CPU के पीछे लगा हुआ था, बहुत तेज़ चलता है 12 वोल्ट का, वो देखता रहा, वो नहीं मिला मुझे गाड़ी के अंदर। एक ड्राइवर पार्टनर यहाँ से लेके गए थे, वो लेके गए थे यहाँ से। तो गाड़ी के अंदर इतनी तेज़ हवा फेंकता है ना, सोते हैं जैसे हम लोग सोते हैं ना, गर्मी आ गई अब उसकी ज़रूरत पड़ा करेगी। तो वो बैंका होगा ना तो एकदम बढ़िया हवा देगा बिंदास, लेकिन नहीं मिल पाया उसकी वजह से, बड़ा परेशान हो गया, पूरा मार्केट छान लिया नहीं मिला। तो अभी चलते हैं यहाँ से, आज की शॉपिंग हो गई कम्प्लीट। और अगर आप इस साइड रहते हो तो ज़रूर आना यहाँ पे, है ना, लाल किला के जस्ट सामने लगती है। और ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है, ये पार्किंग ऐसी है बहुत नीचे तक है, 3-4 मंजिल नीचे भी है ये बार, सबसे बड़ी पार्किंग इधर ही यही है। तो मल्टी लेवल कार पार्किंग की जस्ट सामने ही लगती है मार्केट, तो कभी भी इधर आओ तो करो विजिट यहाँ पे। और अब इस वाले ब्लॉक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कर देते हैं यहीं पे एंड। अब जा रहे हैं काम करेंगे, संडे के दिन ट्रैफिक होगा नहीं, दिन में काम करेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर लो और बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो। और इस मार्केट के कोई भी इंक्वायरी करने के लिए प्लीज़ फ़ोन मत करना, इस मार्केट की इंक्वायरी करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना और यहाँ पर आना, बस मुझे फ़ोन मत करना मार्केट के लिए, है ना। तो इस बार ब्लॉग को कर देते हैं बैंड, लास्ट में ही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।